बाय जिल, टेक केयर। तड़पो कहीं के। अरे तुम क्यों चिल्ला रहे हो? हे कार्तिक, ये रॉन्ग कनेक्शन है ना? क्या कह रही हो? जरा इन्हें देखना, उधर भाग रहा है। किसी ने देखा तो बदनामी होगी। क्या कर रहे थे? अरे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, चोर चोर चोर, पकड़ो, अरे पकड़ो उसे। हे भगवान, अरे अरे चोर है चोर, अरे कोई पकड़ो, देखो वहाँ चोर है। ये क्या तुम यहाँ खड़ी होकर चिल्ला रही हो? सब चिल्ला रहे थे चोर है चोर है, इसलिए मैं बाहर आ गई। पागल कहीं की, अगर तुम्हें कोई उठा करके ले जाता तो मैं क्या जवाब देता? मेरे पास भले ही पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास इज्जत जरूर है। याद रखना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस बात को अपने दिमाग में भर लो। चोर चोर पकड़ो, चोर चोर पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं, पकड़ो, जल्दी उस तरफ भागे, देखो उस तरफ, पकड़ो। हमने वहाँ जिसे देखा वो कुमार अंकल की वाइफ थी ना, उन्होंने भी हमें देखा होगा ना? देखो यही कहीं होंगे। चलो 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 चलो। हे भगवान, ये हमें चोर चोर कह रहे हैं, पर वो दोनों तो वहाँ कुछ कर रहे थे ना? चुप हो जाओ ना। आ, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जल्दी चलो। जीजस, ये लोग चोर किसे कह रहे हैं? वहाँ किसने चोरी की, किसने कांड किया, किसी को कुछ भी नहीं पता है जीजस। हे प्रभु, बोलो किसी की भी नजर में ना आए, ना पकड़े जाए और ना ही मार खाए। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करना। कहाँ है? आ गए जीजस, अब आप ही इनकी रक्षा करना। आओ जल्दी आओ, अरे जल्दी अंदर चलो, जल्दी, अरे जल्दी चलो अंदर, जल्दी करो, चलो अंदर बैठो। सुनो भाई, इधर देखो, तुम्हें खाना मिले ना मिले, लेकिन इसको खाना जरूर देना, समझे? ए, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए और इसको दुखी नहीं रखना, ठीक है? और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम दोनों प्यार से अपनी जिंदगी गुजारना। हे जीजस, अब आप ही इन लोगों की रक्षा करना। जीजस, अभी भाषण बंद कीजिए और बोट निकालिए। हाँ ठीक है। सोच रही हूं फ्यूचर के बारे में। हम गलती कर रहे हैं लग रहा है क्या? नहीं। तो फिर हमें उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था ना? कौन से रास्ते से? हमारी वजह से अंकल आंटी को अलग होना पड़ा ना। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे, तुझे कितनी बार समझाया कि मंदिर में फोन का इस्तेमाल करना मना है? लेकिन ये तो आपका ही है। हाँ, मेरा है। माँ को कुछ हो गया है क्या? क्या हुआ नंदी? हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। फादर,
बोलो बरगिस सर। फादर बहुत जल्दी में जा रहे हो, क्या बात है? जान पहचान वाला मर गया, इसलिए उसे मिलने जा रहा हूँ। जान पहचान वाला कौन मर गया फादर? कौन कब मर जाएगा ये मैं कैसे बता सकता हूँ। आनंदी, मेरी पॉकेट में पैसे थे, वो कहाँ चले गए? मुझसे क्यों पूछो, मुझे नहीं पता। मेरे पर्स से तुमने कितनी बार पैसा निकाला है मुझे पता है। सच में मुझे नहीं पता जी। ऐसा 1000 रुपए रखे तो सिर्फ 100 रुपए ही मिले मुझे, 100 रुपए रखो तो सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं। तुमने नहीं लिए तो किसने निकाला? क्या कहना चाहते हो, मैं चोर हूँ? चिल्लाओ मत, कोई सुनेगा तो हमें गलत समझेगा। कार्तिक, तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है क्या? नहीं, पर मैंने तो बोला है। इट्स ओके। टिकेट्स 2 उठी 2600 रुपए, ये लो बैलेंस रुपए। रख लो टिप्स है। 400 रुपए टिप्स में? 400 रुपए की टिप? चुप करो, हनीमून ट्रिप है क्या? अरे वाह, आपको तो सब पता चल गया। कार्तिक, इन्होंने हमें पहचान लिया। पहचान तो लिया। आई एम गोइंग विद द कार्तिक। उसने इतना बड़ा कदम उठाया, इसका मतलब उसे प्यार हो गया है। कंबाइंड स्टडी के नाम से वो दोनों रात के अंधेरे में घर से भाग गए। मैं अगर कुछ समझाती थी तो मुझे आप डांटा करते थे। इस वजह से उसका डर खत्म हो गया। उसके दिल में हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना ही हो सकती है। अब आगे देखिए क्या होता है। उस लड़के के घर वाले कैसे हैं? आपके जात का है क्या? मैं उन दोनों को आते जाते वक्त मैथुस की बोट में बस उन्हें देखता था और एक स्माइल दिया करता था, बस इतनी ही पहचान थी हमारी। उसकी इतनी हिम्मत, लड़के को लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया, तो अब तो वो ऐसा ही करेगा ना। ये लड़का तो हाथ से गया। सुनो जी, मैथुस के घर चलते हैं, वहाँ से कोई ना कोई खबर मिल ही जाएगी। पहले पुलिस स्टेशन में जाके कम्प्लेन करो। अगर मैं कम्प्लेन करूँगा तो सारा गाँव को पता चलेगा, फिर परिवार की इज्जत भी जाएगी और अच्छा फ्रेंडशिप भी बिगड़ जाएगा। और चर्च के बड़े फादर को पता चला तो मेरा क्या होगा? जीसस ही बचा सकते हैं। तो अब क्या करें हम लोग? पहले वो कहाँ ये पता लगाओ, फिर दोनों को काउंसिल देकर हमारे परिवार में दूसरा धर्म के लोग के रहना मुश्किल होने समझाना चाहिए, और उनको धर्म बदल दिया तो सब सही हो जाएगा। हाँ, बस इस मुसीबत से बचने का एक यही आखिरी रास्ता है। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की ही चिंता करता हूँ, और आप सिर्फ धर्म में आदमी बढ़ाना चाहते हैं। अगर हमने उन दोनों को जल्दी नहीं ढूंढा तो वो शादी करके परिवार बना लेंगे और उनका बच्चा भी हो जाएगा। रीटा, बचपन में मैं और वो घर के बाहर मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने का नाटक करके माँ बाप का खेल खेलते थे, और वक्त के साथ बड़े हुए हम बचपन के उस खेल को भुला बैठे, तो इस खेल की क्या औकात है, ये भी 2 दिन में भूल जाएगा, तुम चिंता मत करो। मतलब ये कि ये प्यार वार 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। रीटा, गो इनसाइड। क्यों मैथुस, सुबह होने से पहले वो दोनों गांव से बाहर निकल गए तो जरूर किसी ने तो उनकी मदद की होगी, क्या कहते हो? बचाओ जीजस! ब्लडी रस्कल, और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने इस पर विश्वास किया और ये एहसान फरामोश निकला। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैंने इसे कभी नौकर नहीं समझा, मैंने इसे अपने घर में जगह दी, लेकिन ये तो जाने दो मैथ्यूस। जो मैंने किया वो बहुत ही गलत है फादर, लेकिन सच्चे प्यार को कभी अलग नहीं करना चाहिए, यही तो हमारा धर्म भी कहता है ना फादर। अरे रुक जाओ, ऐसा करोगे तो कैसे पता चलेगा? इधर आओ। हाँ सुन। हाँ, वो दोनों कहाँ गए तुझे पता है क्या? सच्ची में मुझे नहीं पता है फादर, मैं तो सिर्फ उन्हें किनारे तक लेके गया था, लेकिन उन दोनों की जोड़ी तो रुक जाओ और तू निकले यहाँ से, और हमेशा के लिए अपनी जुबान बंद रखना। ठीक है फादर, मैं हमेशा अपना मुँह बंद रखूंगा। जीजस, न्यूली मैरिड? जस्ट मैरिड। कार्तिक, क्या हुआ? वो मैं अगर तुमने आई लव यू कहा ना तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी, देख लेना। वो बात नहीं है। फिर बचपन में पिताजी मुझे ऐसे ही चलाया करते थे। ओ, तो तुम्हें घर की याद आ रही है? मुझे तो फिल्मों में जैसे हीरो रोमांस करते हैं ना, वो सब याद आ रहा है। और तुम्हें तो घर की याद आ रही है? आ जाओ। आई गोना किल यू। कौन कार्तिक? रिया।
रुको। सर, वी नीड सम मोर एडवांस मनी। हाउ मच इज द बैलेंस? वन सेकेंड, 13,000। वी विल वैक इट इमीडिएटली, प्लीज मेक द बिल। श्योर सर, बिल रेडी करो। ओके सर। कम। हे, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं। क्या हुआ? ए व्हाट? नो कम ऑन। No. Give me a kiss. Come on, Riya. No, please. Abhi. Please. मैं भी अंदर आता हूँ. No. ये सब शादी के बाद. Okay? तब तक nothing. मैं थोड़ा नीचे जाके आता हूँ। डोर क्लोज करके जाना। थैंक यू वेरी मच सर। श्योर। दिस योर बिल सर। थैंक यू। वेलकम सर। आ रही हूँ। हाय कार्तिक, तुम कहाँ चले गए थे? कम से कम फोन तो उठा लिया करो। पैकिंग करो, हम निकलेंगे। वी आर शिफ्टिंग टू अनदर होटल। व्हाई? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ कोई और बुकिंग है। क्या हुआ? It's okay, come. Kartik. Yeah. Yellow. Thank you. मैं पहले कभी भी ऐसी जगह नहीं ठहरी। इससे पहले घर से बाहर रही हो क्या? कार्तिक शट अप, मुझे तो उल्टी आ रही है। कम ऑन लेट्स गो। देखो रिया, हमारे पास पैसे नहीं है। व्हाई? व्हाट हैपेंड? खर्च करते समय सोचना चाहिए था, जो कुछ लिया सब एक्सपेंसिव। ये सब तो मुझे सुना रहे हो? अब तक तुमने मेरे ऊपर जितने भी रुपए खर्च किए है ना, आई विल पे एवरीथिंग बैक। पैसे नहीं थे इसलिए मैंने सेलफोन बेच दिया।
कार्तिक। मेरे बैग में सोने की चूड़ियां हैं, तुम उसे बेच दो, फिर हम किसी अच्छे होटल में चलते हैं, उसके बाद सोचेंगे। मैंने तो इसमें ही रखा था, तुमने देखा क्या? नहीं तो होटल में जब मैं नहाने गई थी तो बैग में ही था। कम ऑन, हमें वहाँ जाके देखना चाहिए। चलो मैं नहीं आऊंगा। व्हाई? वहाँ नहीं छूटा होगा। वहाँ नहीं होगा, तुम्हें कैसे पता? सच बताओ, तुमने ही लिया है ना? झूठ बोल के मुझे चीट करने की कोशिश मत करना। चीटिंग? व्हाट डू यू मीन? मेरे पापा भी मुझसे पूछे बिना मेरी चीजों को छूते नहीं हैं। तो अपने पिताजी के साथ घर पे ही रहना चाहिए था ना? Now I'm sure, तुमने ही लिया है। Yeah, mind your words. You cheat. Don't call me a cheat. You are a liar. तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। हेलो पापा, मैं बोल रहा हूँ। पापा आप सुन रहे हैं ना? कार्तिक कहाँ हो, कैसे हो बेटा? रुको सुनो, आनंदी को बुलाता हूँ मैं। बोलो बेटा। सॉरी पा, मुझे माफ कीजिए, गलती हो गई, आपको छोड़ के आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मुझे आप सबसे मिलना है, मैं अभी के अभी वापस आ रहा हूँ। आ जा बेटा, जल्दी से आ जा, मैं आके सब बताता हूँ। ठीक है बेटा, आ जा बेटा। पापा, माँ, माँ। उम्मा बेटा। ची 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 ची। तुम जैसे इडियट के लिए मैं अपना घर छोड़ के आ गई। फोन दो मुझे। शे, बैटरी ही डाउन हो गई। गांव जाने के लिए मुझे पैसे देकर जाओ। तुम तो बड़ी तोप हो ना, मेरे बिना ही आ जाओ। रुको इडियट। फालतू में इसके चक्कर में मैंने पैसे बर्बाद कर दिए। भाई हाँ? प्राइवेट बस स्टैंड का रास्ता कौन सा? ओ यहाँ से सीधे जाकर ना राइट मुड़ जाना। थैंक यू। ओके बॉस। हाँ।
मुझे घूर रहा है। कहाँ जाना है? वो लड़का मुझे घूर ही जा रहा है सर। कहाँ जाना है सर? एर्नाकुलम जाना है सर। एर्नाकुलम जाना जी है? हाँ सर। अच्छा, तो इस लड़की को बार बार क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ, सर। तुम देख रहे थे या मैंने देखा था? सर सच में मैंने नहीं देखा सर। अच्छा, तो आप पुलिस से भी झूठ बोल रहे हो तुम? सर कसम से नहीं देखा सर। चलिए जल्दी सर, तुम जाओ बेटा। नहीं रुकेगी, चलिए सर, सर प्लीज जल्दी जल्दी सर। अरे ऐसा कैसे सर, मुझे छोड़ दीजिए, आई मैंने सर 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 चलिए आइए आइए। अच्छा हां, टिकट दे दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अरे चलो जल्दी करो, आराम से बेटा, चलो भाई जल्दी चलो, आज की बोली तो हो गई। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, नहीं तो तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज देती। पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तीन टिकट है ना? टिकट टिकट टिकट, हाँ टिकट टिकट। रख लो रख लो, टिप्स है। टिप्स टिप्स है ना? सर आप इधर आ जाएंगे? नहीं, मैं यहीं बैठूंगी। क्यों, क्या हुआ मैडम? एक एर्नाकुलम। दो नहीं क्या? एक काफी है सर। मैं तुमसे अपने पैसे मांग रही हूँ, तुम्हारे पैसे नहीं। हैं? प्रॉब्लम क्यों सी है? भैया मैं आपके ऑफिस आके टिकट के पैसे दे दूंगी, आप चाहे तो मेरे पापा से बात कर सकते हैं। मैडम पैसे की कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा, आप बैठिए। थैंक यू भैया। पीके पीके है ना? पीके हाँ। पक्का ना रहे प्यार। टिकेट्स टिकेट्स, किसी का टिकट बाकी है क्या? किसी का टिकट बाकी है? टिकेट टिकेट टिकेट। से लेना गलत काम है। आप यहीं रुके, मैं पैसे लेकर आती हूँ। जीसस, ये क्या दोनों अलग अलग आ रहे हैं? जीसस, ये क्या दोनों अलग अलग आ रहे हैं? अभी से ऐसे ही है। क्या हुआ? अंकल ऑटो का किराया दे दीजिए। हाँ हाँ। क्या हुआ बेबी? बेबी क्या प्रॉब्लम है? मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, वो हो गई। इंटरव्यू? हाँ, गले मिलकर भी इंटरव्यू में जाते हैं क्या जीजस? मेरा भी वहाँ इंटरव्यू था, अच्छा हुआ सिलेक्ट नहीं हुआ, वरना मरते दम तक गलत पोस्ट पर ही रहना पड़ता। कौन सी पोस्टिंग? दुनिया में गलत लड़की का पति बनने की पोस्ट। अंकल ये उसी लड़की की बोट है। बोट पंचायत में देने के बाद वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। हाँ ये भी सही है। जैकेट वापस करो। ये लो तुम्हारा जैकेट, रखो। स्टूपिड, क्या प्रॉब्लम है? कार्तिक, नारायण तू इधर आ। बेटा कार्तिक तू ठीक तो है ना? दादी कोई प्रॉब्लम नहीं है दादी। कार्तिक तू आ गया बेटा। हे भगवान, कार्तिक तू आ गया। सॉरी, नजर उतारो। क्यों तुमने ऐसा किया था बेटा? हम लोग बहुत घबरा गए थे जानते हो। चलो कार्तिक, तो कहा था बेटा, क्या हो गया तुझे? हम कितना परेशान हो गए थे पता है? क्यों बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? रो मत, ये खाना खाया कि नहीं ये तो पता नहीं, पहले से एक कप कॉफी तो पिला दो। आप पहले बेटे को अंदर लेकर आओ। आओ बेटा आओ। मुझे माफ कीजिए। अरे क्या कर रहा है बेटा, आओ। आओ मां, इतनी जगह होकर आया है किसी की नजर ना लग गई हो। Hi papa, I'm back. Good morning father. Good morning. Hey Jill,
हेलो, हाय, हाउ आर यू? क्या हुआ तुम्हें? मुझे मिस कर रहे थे ना? मुझसे गुस्सा हो? ऐसे घूर क्यों रहे हो? किसी ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? कॉफी लेके आओ। कॉफी? रीटा, आइसक्रीम है क्या? हाँ हाँ, अभी लाई। ये ला दीदी। आपको चाहिए? तुम खाओ। जवान लड़की अपनी पसंद के लड़के साथ घर से भाग जाए, ये सब कृष्ण के जमाने में सही लगता था। लेकिन मुझे मिला करके दो बाप और तीन नंबर पे रहने वाले लड़की कुछ ऐसा कर जाएगी, ये सुनकर मुझे अंदर से अच्छा नहीं फील हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ये सब छोड़िए फादर। है ऐसा भला कैसे छोड़ सकते मैथ्यूस? अगर उसे वो लड़का पसंद था तो डायरेक्ट मुझे बता देना चाहिए था। ये सोचकर कि मैं मना करूंगा उसके साथ भागना ठीक था क्या? मैंने भी ऐसा ही सोचा। आप मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, यही सोच के मैं उसके साथ भाग गई। मुझे यही सही लगा बस। वेरी सिंपल। आप क्या करना है बताओ? अब मैं उसे पसंद नहीं करती। आई हेट हिम। अच्छा हुआ शादी होने से पहले उसके बारे में सब पता चल गया, नहीं तो मैं फंस जाती ना। अच्छा है, टेस्ट ड्राइव करके जो गाड़ी पसंद आएगी वही खरीद लूंगी। फादर आप वो देना। थैंक यू। ग्रेट फूड एंड डन। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं अभी आता हूं। एक लड़के के साथ तीन दिन बाहर रहकर आई हो तुम, अगर कुछ हो गया तो? मैंने उसके साथ कुछ किया या नहीं किया यही पूछना चाहती हूँ ना। पापा को बुलाइए, मैं उनके सामने बताती हूँ। आपको अपनी सगी बेटी पे भरोसा नहीं है ना माँ? पता नहीं किस पे आप भरोसा करेंगी। क्या सुशन, तुम भी एक छोटी सी गलती के लिए उसने क्लियर कर दिया ना, और मान लो उसने ये गलती कर दी है तो उसके लिए इतना सवाल क्यों कर रही हो? वैसे बेटी वो तुम्हारी माँ है ना, इसलिए। प्रीता जी को खुश करने के लिए बोला था ना? क्यों दीदी, तुम्हारे बीच कुछ नहीं था ना? हगिंग, किसिंग, नथिंग हैपेंड। आई थिंक इट्स वेरी ओल्ड टाइप। अच्छा वो तुमने छोड़ दिया। ए एंड दिस इज राहुल। थैंक यू। एंड पूजा, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। द शेखर। हेलो। हेलो। एंड अरविंद। थैंक यू। चलो 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 चलो। हाय मनसी। हाय। कम। एंड लास्ट, दिस इज माय फेवरेट कार्तिक। डिड यू गेट द स्केचेस? वन सेकेंड। जल्दी लेकर आओ। खाओ ना। खा लो। नो। एवरीथिंग 50-50। नो। तुमने जो मांगा वो ये रहा। एंड नए डिजाइन्स भेजने के लिए कहा था। मैंने भेजा तो था, नहीं आया। देखो ना। सुपर है, बट ये नहीं है। हाँ ये नहीं है। ये सही। हाँ हाँ ये सही है। इस सुपर में हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अरे यही सुपर है। ये फाइनल कर दो।
चैलेंज ही समझ लो। हाय एवरीवन, ज्वाइन रोजारिया इवेंट मैनेजमेंट एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ग्रेट एटमॉस्फियर, नाइस पीपल, हैविंग फन। एवी है क्या? तुम मुझे सिखाओगी ना? डोंट इरिटेट मी। अचानक क्या हो जाता है तुम्हें? मुझे क्या होगा? समथिंग। तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? हाँ Having fun? पागल हो गई हो क्या? कार्तिक, तुम रिया को पहले से जानते हो क्या? नहीं, क्यों? नहीं, मुझे लगा इसलिए मैंने पूछ लिया। कूल। हे व्हाट? नथिंग सर। सर सर नो सर, ओनली माइकल। ओके माइकल, समथिंग इज बॉदरिंग यू, व्हाट्स इट? सर, इस तरह ग्रूम करते वक्त लड़कियों को टच करना जरूरी है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। रिया, ये टच को गंदी नजर से नहीं देखना चाहिए। हम दूसरों को बताने वाली बातें कम्युनिकेट करने के लिए हम एक सिंपल टच से कर सकते हैं, और अगर दोनों टच करें तो दुनिया को भूल जाएंगे। तुमने कभी नहीं सुना था क्या? सी, इसमें बहुत सारे टचेस होते हैं। आई कैन टच यू एज अ फादर, इट्स फुल ऑफ पेरेंटल अफेक्शन। दिस टच कैन बी ब्रदरली और इवन फ्रेंडली, यू नो, फॉर इवन एज अ लवर। सुनो रिया, हर टच में एक कोई ना कोई मीनिंग होती है, लेकिन इसमें किस फीलिंग से टच करते हैं ये काउंट होती है। व्हाट? मैं क्या यहाँ कोई फ्लर्ट कर रहा हूँ? फूल मैन। हे कार्तिक, क्या हुआ? एनीथिंग रॉन्ग? एवरीथिंग इज रॉन्ग। कम ऑन कार्तिक, कार्तिक, आई थिंक यू आर इन बैड मूड। मैं संभाल लूंगी, रिलैक्स। Okay girls, let's start. Ready up. Kartik. हाँ? इधर आओ, चलते हैं। One second, आ रहा हूँ। Sharon. हाँ? मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दोगी क्या प्लीज? Okay, या लगता है काम पे लगा दिया इसने। स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ओके, मैं लेट हो रही हूँ, चलती हूँ। बाय। हेलो बेबी। ओ रिया। हेलो से रिया। आ शेरिल, ऑनलाइन नहीं हो क्या? मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती। रिया, मैं कार्तिक से चैटिंग कर रही हूँ। आई विल कॉल यू लेटर।
माइकल, वी नीड ड्रेस कोड. दैट्स अ वंडरफुल आइडिया. कम अगेन. मैं नहीं समझा. आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक. कार्तिक, गर्ल्स को ग्रूमिंग करते समय कार्तिक को डिसेंटली बिहेव करने को कहो. वो कुछ भी नहीं पहना है क्या? जस्ट वन निकर. आ, वो तो पहना है ना. रिया, यू नो दिस गाय? नो. डोंट नो. रेनोन फिल्म मेकर श्याम प्रसाद. ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है. शूटिंग के टाइम वो हमेशा निकर में ही रहते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट कम्फर्ट. उसकी पसंद का ड्रेस वो पहनते हैं. You come out. Not my face. Here, down. Look down. See? मैं भी निक्कर पहना हूँ. So what's a big deal? Nothing. Riya, तुम चाहो तो कल से तुम भी ऐसा आ सकती हो. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Hey, listen. आइंदा सिली कंप्लेंस करने के लिए डोर खोल के अंदर आओगी तो सब निक्कर में ही मिलेंगे. शे, ये लड़कियां हमें निक्कर में देखकर क्यों नाराज होती हैं? As I know the truth, I am giving you the warning. वो कार्तिक सही नहीं है. What? गांव से एक लड़की को लेके भाग गया था. पूरे 3 दिन के बाद दोनों वापस आए थे. Oh, really? जरूर वो लड़की सही नहीं होगी. लड़की की कोई गलती नहीं थी. इसी ने ट्रैप किया था. अच्छा हुआ उसके साथ कुछ नहीं हुआ. सुनो, 3 दिन तक एक साथ रहे थे और वो भी कार्तिक जैसा हैंडसम लड़के के साथ. चांस ही नहीं है. सच में जा रहे. अरे सच कह रही हूँ. हेलो. हाँ, व्हाट हैपेंड? ड्रीमिंग? Come, let's have coffee. Coffee? Come. No. No? No. चलो हम चलते हैं. रीटा, संभाल के कदम रखना. Okay. वरना पैर फिसल जाएगा. मैथ्यूस, इस साल बहुत बारिश हुई. चप्पल यहीं पर छोड़ दो. हाँ, आई आई. आनंदी, कार्तिक, नमस्ते. नमस्कार. कल रात को बहुत बारिश हुई है. हाँ, आइए. सरप्राइज विजिट है. हाँ, बैठे बैठे. ये लीजिए. क्या जरूरत थी? मैंने ये सब अपने हाथों से आपके लिए बनाया है. पूरा किचन साफ करके ही बनाया है. इतने प्यार से बनाया है, हम तो जरूर खाएंगे. माँ को चांस मिले तो कुछ भी खा जाएगी. अच्छा. मेरे हस्बैंड कलकत्ता में रहते थे. वहाँ सारे ब्राह्मण मच्छी खाया करते थे. मेरी भी आदत पड़ गई मच्छी खाने की. कलकत्ता में मछली को जल पुष्ट कहते हैं. ये तो बहुत अच्छी बात है. हम यहाँ आए तो सोचा कहीं माँ मुझे डांटे ना. आने से डर लग रहा था. वो मैटर तो उसी दिन खत्म हो गया. रिया नहीं आई क्या? घर में गेस्ट आए थे उनके साथ. वो बोटिंग करने चली गई. मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ. अपने बच्चों की किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाए तभी माँ बाप को खुशी होती है. अच्छी बात है. अपनी रिया की शादी कंफर्म हो गई है तो अच्छी बात है. हाँ जी, ये तो अच्छी बात है. लड़का फ्रांस में रहता है. हाँ. आर्कोलॉजिस्ट है. हाँ. तय होने के बाद हम सबसे पहले आपको बताना चाहते थे. लड़की को तो वो लड़का पसंद है ना? उसे अपनी पसंद से कुछ भी लेना देना नहीं है. उसने हमें फिक्स करने के लिए कहा था. ओह, बहुत अच्छी बात है. सब काम में आप हमारे साथ ही रहेंगी. अरे अभी कोई कहने की बात है? हम तो हैं ना, साथ साथ हाथ मिलाइए. थैंक यू सर. आनंदी, सबको कॉफी पिलाओ ना. अभी लाई मैं कॉफी. हेलो. हाय.
नो एनीथिंग यू हैव गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कार्तिक नहीं आया क्या फॉर मैरिज प्रपोजल वो एक लड़की देखने गया है Can you please tell me what this is? In presentation you have made, it stinks. It stinks. But according to the briefing... Briefing? Briefing mein jo hai, waisa hi laptop mein dikhaoge, then what's your role? Where is your creativity? Aur ye hamari company ka prestigious project hai. Ye hai look and feel, huh? Aaj dopahar ke andar, I want it clear. I want it done. Tumhare dimag ko thoda kaam do. I'm sorry, Mike. ये मेरी गलती थी कैसे ब्रीफिंग में क्लियरिटी नहीं थी रियली हाँ रियली कार्तिक ऐसी गलती नहीं करेगा सॉरी आई विल फिक्स इट इन दिस केस आई एम सॉरी मुझे माफ करो कार्तिक यस माइक इट्स माइन कैच दिस गुड सो नाउ यू नो हाउ टू कैच अ कैट Get back to work. Get back to work. Go, go, go. Okay. क्या ये रिया की मिस्टेक थी? No. It was mine. Good. हाय कार्तिक हाय थैंक यू फॉर व्हाट मेरी गलती को कवर अप करने के लिए इट्स ओके तुम्हारी शादी तय हो गई ना कल तुम्हारी फैमिली मेरे घर आई थी एनीवे कांग्रेट्स कार्तिक तुमने लड़की पसंद कर ली है क्या ऑफिस में सभी यही कह रहे थे ये बात है शी इज गुड वो लड़की किस फील्ड में है यूके स्टार होटल शेफ अच्छा तो अब तुम्हें टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा उस लड़की को यहाँ के स्टार होटल्स में ट्राई करना चाहिए तो श्रवण को भी यहाँ बुलाना पड़ेगा मेरा कजिन ही श्रवण है उसी के लिए लड़के देखने गए थे वो यूके में है रिया हाँ? मेरी शादी तय होगी तो पहले तुम्हें बताऊंगा नो डाउट तुमने फोन क्यों नहीं उठाया आपने कब फोन किया था कॉल माने नहीं किया था फ्रांस में जो लड़का है ना तुम्हारा वुड बी वो तुमसे थोड़ा बात करना चाहता था फोन पर शादी कंफर्म होने के अलावा जिससे मेरी शादी हो रही है उसकी आवाज कैसी है वो मैं सुनना चाहता हूँ मुझे ऑफिस में बहुत काम था पापा मैंने कहा कि वो ऑफिस से आ जाएगी तो मैं कॉल करवा दूंगा आई एम टू टायर्ड पापा क्या बेटी प्लीज उससे बात कर लोगी तो तुम्हें टायर्डनेस नहीं होगी
दीदी पापा ने ये रिश्ता बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। अगर मेरी शादी की उम्र होती तो मैं तो हाँ बोल देती, पर तुम ये चांस मत खो देना। चुप कर। हाँ कैसे हो? मैं रिया को फोन देता हूँ। हेलो रिया स्पीकिंग, गुड इवनिंग। फाइन, आप यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अंदर चलिए, उनको रोमांटिक बात करने दीजिए, आप आइए। दीदी वो फोन पे क्या बात कर रहा था? तुझे जानना जरूरी है। हाँ ओके। उसने जो भी पूछा मैंने सारे जवाब दिए। तुम कितने बजे उठती हो? मैंने कहा 6 बजे। तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? मैंने कहा नूडल्स। तुम्हारे चप्पल का साइज क्या है? मैंने कहा 6। तुम कितने बजे सोती हो? जब नींद आती है तब। तुम्हें हमारी प्यार भरी जितनी बातें जाननी थी जान गई ना तुम? पता चल गया मेरा होने वाला उठ भी कैसा है। ये सब पूछ रहा था। हाँ। आप लोगों को सुनकर स्ट्रेंज होगा कि एक इवेंट को हमारी कंपनी लेने वाली है, कुंभकर्म में रह रही एक ऑथेंटिक चेटियार फैमिली की रईस शादी, उससे पहले एंगेजमेंट। सी, हमारी जैसी कंपनी को एक शादी अरेंज करके देना बहुत ही मुश्किल है, और बताना तो इट्स ऑकेबल। कार्तिक तुम बोलो। आई फाइंड इट बिट हार्ड सर। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी बहुत ही टफ लग रहा है। पूरे पंडाल को खाना बनाकर खिलाना तो बहुत ही कॉमेडी लग रहा है, बट ये चैलेंज ऐसा है, पूरे साउथ इंडियन में अपनी कंपनी का नाम हो जाएगा, बिकॉज इस वेडिंग में आने वाले सभी लोग वेरी लॉफ्टी बिजनेसमैन हैं, तो इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें जाने का एक मौका मिला है और उन्हें इंप्रेस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड कार्तिक विल बी आवर टीम लीडर। ओके माइकल, शरीन इज गोइंग टू असिस्ट यू। या ओके। ओके विद यू? नो प्रॉब्लम। बॉयफ्रेंड कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? हे नो नो, चाहो तो कुछ दिन के लिए कार्तिक को अपना बॉयफ्रेंड बना लो। इट्स ओके फाइन। तुम्हारी तो बच्ची है, उससे रोनिक संभाल लेगा। नो प्रॉब्लम। ब्राइडल मेकअप कॉस्ट्यूम्स ऑल दिस प्रेफरेंस रिया विल टेक चार्ज। एनी क्लेरिफिकेशंस? नो माइकल। एक बार फिर से सोच लो रिया। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, शेरिल बहुत ही अच्छी लड़की है। कार्तिक से जब तुम्हारा रिश्ता टूट गया है तो वो किसी से भी प्यार करे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लड़कियों की आदत होती है कि दूसरे के मामले में मुंह डालने की। चुप हो जा, बहुत बोलने लगी है। उनकी शादी नहीं हुई है, वो लिविंग में रहते हैं, उनका एक बच्चा भी है। रिया हर किसी से बराबरी नहीं की जाती बेटा। वाह वाह, पैकिंग हो रही है। एनीवे जेनसन से बात करके परमिशन तो ले लो। ये लो। रिया जेनसन ने फोटो भेजी है, कंप्यूटर पर देख लो। ऐसा है? हाँ। तो मैं उसको देखना चाहती हूँ। मम्मी जरा इसे पकड़ो। दीदी तुम्हारा हीरो बहुत फैमिलियर फेस है, वेरी हैंडसम, बस कार्तिक की तरह बेवकूफ ना निकले। इसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं लग रही? फोन पे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तुमने जाने की परमिशन ले लिया ना? हाँ ले लिया। तो क्या पूछ रही थी? तुम जहाँ जा रही हो कितने किलोमीटर दूर है? मैंने कहा नहीं जानती। कैसे जा रही हो तुम, बस से जा रही हो कि ट्रेन से जा रही हो? मैंने कहा नो आइडिया। तो कहा गूगल पे सर्च करो। मैंने कहा ठीक है, दैट्स ऑल। ओ गूगल बॉय। दीदी वो भी वेस्ट है क्या? चलना ठीक, वहाँ अच्छे से रहना। ठीक है माँ। अपना सामान ध्यान से रखना। ये लो बेटा। थैंक यू पा। कार्तिक वहाँ जाकर किसी होटल में मत ठहरना, वहाँ तुम्हारी माँ के भाई का घर है, तुम जाओगे तो वो बहुत खुश होंगे। बेस्ट। लेकिन वो मुझे पहचानेंगे क्या? चलता हूँ दादी। संभल के जाना बेटा। चलता हूँ माँ। चलता हूँ। ऑल द बेस्ट बेटा। बाय बाय। बाय बाय। संभल के जाना। जी पापा।
इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकता। वो तेरी जिंदगी में दोबारा आएगी। होटल में रुकेगा तो पक्का वो तुझे मिलेगी। चिंता मत करो दादी, तुम्हारा पोता बहुत अच्छा है। हे कार्तिक, तुम अचानक हंसने क्यों लग गए? नथिंग। सीधे सीधे बता दो, किसके बारे में सोच रहे थे? बट यार, कोई नहीं। टेल मी। अरे बताने के लिए कुछ भी नहीं। बताओ है। ना मुझसे क्यों शर्मा रहे हो? बता भी दो, किसके बारे में सोच रहे थे? किसी के बारे में नहीं यार, अब मुझे बख्श दो। हा? नींद आ रही है मुझे। जल्दबाजी मत करो। अरे ए, मैं पूछूंगा। 501 ये लो मैडम। कहाँ जा रहा है? रुक जा। क्या हुआ बेटा? उधर मेरे पिताजी। अच्छा? आ रहे हैं। सर, केरला से आए हुए कार्तिक और उनके फ्रेंड्स किस रूम में ठहरे हैं? एक मिनट सर, थर्ड फ्लोर में चार रूम। चलो जल्दी। 803 804 805 806। ग्राउंड फ्लोर में ठहरना चाहिए था। पापा लिफ्ट इधर है। कार्तिक से मिलने के लिए लिफ्ट की क्या जरूरत है? चलो बहुत मजा आएगा। चलो कार्तिक, कार्तिक मामा आया हूँ मैं। कार्तिक, अरे रे 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 रे, छे सोन, दरवाजा बंद नहीं कर सकता था? चलो चलो। वो जो भाई ने पहनी है ना, वो जॉकी की चड्डी है। ऐसा क्या? ए सॉरी बेटी, मैं गलत रूम में आ गया। क्या है मैनेजर? दरवाजे में कड़ी क्यों नहीं है? What do you want? कार्तिक, कार्तिक का वो रूम है। मैं कार्तिक का मामा हूँ। हाँ, हम सब हाँ। कार्तिक के फ्रेंड्स हैं। एक साथ ऑफिस अच्छा, में काम करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हे कार्तिक, तुम्हारे मामा। ए कार्तिक बेटा, अरे तू कैसा है? ए मैं इसे 7 साल के बाद देख रहा हूँ। देखो ना कितना बड़ा हो गया है। तुम्हारे यहाँ आने की बात शीला और दादी ने बताई थी, लेकिन तुम कहाँ पर ठहरोगे ये बात नहीं बताई। मैंने यहाँ के सारे होटल छान मारे, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हारे पसंद की मिठाई तुम्हारी आंटी ने घर पे बनाई है। चलो घर चले। हम किसी खास काम के लिए आए हैं मामा। पहले घर चलो, कुछ खाना वाना खा लो, फिर चले जाना काम पर। तुम रेडी हो जाओ, मैं नीचे वेट करता हूँ, ठीक है? चलो। मामा मैंने देखा था ये... कितना बड़ा हो गया है। तुम लोग भी तैयार होकर के दोपहर में खाना खाने के लिए आ जाना। प्योर वेजिटेरियन सब लोग आना है। हाँ, मैं नीचे इंतजार करूंगा। अच्छा नमस्ते। चलो भाई चलो चलो आ जाओ। सॉरी, इट्स ओके। दरवाजा बंद रखा करो। चलो जल्दी करो, तेज चलो, चलो आ जाओ। Who's there? मेरे मामा हैं, उन्हीं के घर पे लंच है, सबको बुलाया है, तुम भी चलो। कौन सा? ये वाला? ठीक है ठीक है। कितने का हुआ? 20 रुपए। अरे सुनती हो, आ जाओ सब लोग अंदर चलो, सबको अंदर चलना है। चलो चलो चलो। वाओ, ये गांव बहुत अच्छा है। अरे सुनती हो, देखो कौन आया है। आओ जल्दी इधर आओ, देखो कौन आया है। आ जाओ कार्तिक, अंदर आ जाओ बेटा, तुम सब भी अंदर आओ। नमस्ते। ये कौन है जानती हो? अपनी आनंदी का बेटा कार्तिक है। नमस्ते। आ जाओ सब आगे, आ जाओ। लड़का तो बहुत सुंदर है। लड़का तो सुपर है। वरलक्ष्मी कहाँ चली गई? कार्तिक से मिलना है, कार्तिक से मिलना है कहती रहती है, लेकिन अभी कहाँ जाके छुप गई? ए वरलक्ष्मी,
ये तो शर्मा रही है। तुम्हारी चाचा की बेटी है, याद नहीं है क्या? याद है ना, 2 साल की थी तब देखा था। पहले हम लोग खाना खाएंगे फिर बाद में बात करेंगे। चलो चलो चलो। कार्तिक को सांभर बहुत पसंद है और पापड़ भी, उससे ज्यादा दो। वरलक्ष्मी, कार्तिक को क्या पसंद है उससे पूछो बेटी। ठीक है माँ। बस करो लक्ष्मी। नहीं, अरे बस करो बस। ऐसा मत कहिए, आप अपने पेट भर के खाइए। बस बस, थैंक यू। कार्तिक हमारे घर आएगा, ये बात सोच के ही वरलक्ष्मी को बहुत कंफ्यूजन था। हरे कपड़े पहनूं, लाल कपड़े पहनूं या फिर पीले कपड़े पहनूं? और फिर केरला फोन करके दादी से सब पूछा कि कार्तिक को कौन सा कलर पसंद है। कार्तिक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? सभी कलर पसंद है। एवरी कलर हैज अ डिफरेंट मीनिंग। सफेद शांति है, हरा समृद्धि है, लाल इबादत है। लेकिन तुम ऑरेंज ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो, तुम पे और ज्यादा प्यार आता है। तुम खाना नहीं खा रही, उसे देखे जा रही हो। क्या तुम्हें उसकी साड़ी पसंद है? क्यों भाई, खाना तो बहुत अच्छा है ना। हेलो, वन मिनट। यस, टेल मी। क्यों जी, क्या हो गया? हे कार्तिक, व्हाट हैपेंड? क्या प्रॉब्लम है कार्तिक? सब लोग बिना खाए क्यों उठ गए? मैं नहीं जानती माँ। अरे बाप रे, क्या कह रहे हैं आप? कार्तिक, क्या प्रॉब्लम है बताओ ना मुझे। हेलो कार्तिक, क्या हुआ जल्दी बताओ ना। चेन्नई से आने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं आ पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? किसका एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। प्रोग्राम के लिए जो गाड़ी आ रही थी उसका तिरची में एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, पर अब हम प्रोग्राम का क्या करेंगे? तो फिर हम परफॉर्मेंस के लिए क्या करेंगे? अच्छा ये बात है, हमारे शहर में कला और कलाकारों की कोई कमी नहीं है बेटा, फोन पर अरेंज हो जाएंगे। 21 के दिन सगाई है, ठीक है, उससे पहले मंदिर में एक फंक्शन है। व्हाट अबाउट रंगोली? अरे, क्या रंगोली, वरलक्ष्मी के पास बहुत बड़ी टीम है, मंदिर के बाहर रंगोली बना के धूम मचा देंगे बस। ओह थैंक गॉड। ये सब ठीक करो, मैं वहाँ देख करके आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। और लक्ष्मी, सब कुछ ठीक से करना। ठीक है चाचा। ए, जल्दी जल्दी काम करो ना, तुम लोग भी टाइम पास करते हो, तुम सब भी ना। कार्तिक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऑल गुड। सुनो, तुम कहो तो रंगोली दिखाओ। आओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरे पास में आके बैठो ना। ठीक है। ये आटा लेके ऐसे बनाते हैं, अच्छा है ना? अच्छा है। कार्तिक, क्या एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने किसी से प्यार किया था, उन दोनों में से कौन है? किसने कहा तुमसे? सीता दीदी, लेकिन वो अभी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए जी, कार्तिक और वरलक्ष्मी में दोस्ती हो गई। हे कार्तिक, वन सेकेंड। आ रहा हूँ। मुझे बात ही नहीं करने देती है, चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बात नहीं बेटा, इसके लिए थैंक्स की जरूरत नहीं है। कार्तिक, क्या हुआ रिया? वहाँ देखो, वो जो लड़का है, क्या तुम उसे जानते हो? ऊटी में मिला था। गुड मॉर्निंग। न्यूली मैरिड? जस्ट मैरिड। ओके, वी आर आल्सो जस्ट मैरिड। हाय बेब। क्यूटी सर, प्लीज, आई वांट अ रूम। सॉरी सर, वी गिव रूम ओनली फॉर द कपल्स। वी आर कपल्स,
आई कांट गिव यू वाइन आई एम सॉरी तू जानता है सिक्योरिटी तू जानता भी है मैं कौन हूँ हम चलते हैं यहाँ से तू जानता है ना मुझे प्लीज छोड़िए मुझे मेरे पिता कौन है पता है तुझे आ जाओ चलो लेके जाओ इधर तो ले जाओ चलो बाहर चलो छोड़ूंगा नहीं तुझे बाहर ले जाओ सिक्योरिटी चलो बाहर चलो टांगे तोड़ दूंगा आ जाओ बाहर निकलो कौन है ये यहाँ के बहुत बड़े पॉलिटिशियन का लड़का है अपने पिता की कुर्सी के दम पर लोगों को परेशान करता है हमें ये बात घर वालों को बताना चाहिए नहीं नहीं ऐसा मत करो शादी में प्रॉब्लम आएगी तो क्या मैं तो बताऊंगी क्या कहूंगी हम यहाँ इवेंट करने के लिए आए हैं हजारों VIPs इस फंक्शन में शामिल हो रहे हैं समझने की कोशिश करो हमारी वजह से नो कार्तिक ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है और मैं लड़की होके समझती हूँ अगर नहीं बताया तो गलत हो जाएगा मैं जाके उसे सब बता दूंगी रिया रिया कार्तिक क्या प्रॉब्लम है लक्ष्मी को पसंद करते हो क्या हाँ करता हूँ कब से करते हो हाँ, जब से उसने रंगोली बनाई तब से रंगोली बनाते वक्त गुड वेरी फनी जब आप लोगों के मन में आएगा तो काम करोगे या तो नहीं करोगे वॉट अ फेनोमेनल एग्जाम्पल आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन अगर ये मैरिज इवेंट अच्छे से हुआ तो उसकी वजह से हमारी कंपनी को गुडविल अच्छी मिलेगी ये मैं सोच रहा था माइकल वो यू शट अप तुम्हारा काम क्या है यहाँ बहुत सारी शादियां मीठी बातें करके मनाते हैं ये सब सॉल्व करने वाली तुम कौन हो वुमेन्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी हो आई कांट बिलीव दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन बी सो स्टूपिड माइकल रिया ऊटी गई थी ये वही लड़का है जानने के बाद तब से ये इमोशनल हो गई ऊटी में हाउ डू यू गो टू ऊटी फॉर व्हाट रीजन Why did you go to Ooty? But again, it is none of my business, isn't it? And Riya, you are fired. That's it. Go. Just go. Michael. Michael, for what?
यू वॉन्ट टू गेट फायर टू? ए रिया, माइकल शॉर्ट टेम्पर है, थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा। जरूरत नहीं है, प्लीज। आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग और अब मैं इस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकती। आई एम गेटिंग मैरिड। बाय ऑल। मेरी शादी में सबको आना होगा। रिया। I'm sorry, रिया। I couldn't help. It's okay. कोई बात नहीं। कार्तिक, I need a favor from you. Tell me. अगले हफ्ते जेंसन मुझसे मिलने आ रहा है। I have to buy some dresses. तुम शॉपिंग करने मेरे साथ चलोगे? What? मुझे कौन सा कलर अच्छा लगता है ये तुम जानते हो। प्लीज। ओके। नए हो क्या? नहीं तो। तुम्हारा घर कहाँ है? मंदिर के पास, वहीं रहता हूँ। तमिल हो? इंडियन। ओवर स्मार्ट। रेजिग्नेशन दे दो, ये बात मैं तुमसे कहना चाहता था। मैं वहाँ काम करती रहूँ, आप यही चाहते हैं क्या पापा? देखो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। फ्राइडे के दिन जेंसन और उसके पेरेंट्स तुमसे मिलने आ रहे हैं। दोनों के बीच फॉर्मल मीटिंग हो जाए तो एंगेजमेंट फिक्स कर देंगे। नजदीक के रिलेटिव्स को बुलाने का निर्णय लिया है। ये एक स्मॉल फंक्शन, बट मैरिज शुड बी ग्रैंड। फोन उठाओ। हेलो दीदी। हाँ। ऑफिस से फोन है, कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। सब लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। फोन किया तो पता चला सिटी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया है। पापा मुझे अभी सिटी हॉस्पिटल जाना होगा, कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। क्या? चाहे जो हो जाए तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम्हारी शादी तय हो गई है, इस तरह बार बार घर से बाहर नहीं जाया करते। पापा, I want to see him. वो उसका कुलीग है, मिलकर आने दो ना इसे। लड़कियों को इन्हीं ने बिगाड़ रखा है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो बेटी। हाँ।
कार्तिक, शैलिन, यस 302। ओके। बेबी इधर देखो, ऐसा मत करो। हाय रिया। रॉनिक, वेयर इज कार्तिक? ठीक है, उसको तो मेरी चिंता ही नहीं है। मेरी स्कूटर स्लिप हो गई थी, बस इतनी सी बात है। कार्तिक तो पहले अपने घर गया। मेरे सर पे दो टाके लगे हैं ना। हे, दिस इज रॉनिक, माय फियांसी। हेलो। एंड दिस इज माय स्वीट लिटिल एंजल। एंड यू नो रिया, यू गेटिंग मैरिड सून। रिया, तुम जैसा सोची थी वैसा कोई रिलेशनशिप मेरे और कार्तिक के बीच नहीं है। नाउ वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन गलत समझकर आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट बिहेव करते हो, तो फिर मुझे वही डाउट आ गया। लेकिन मेरे हिसाब से तो बट आई वॉज रॉन्ग। आप क्या कहते हो? या राइट। पापा, आई वॉन्ट टू सी कार्तिक। आप मुझे कार्तिक के घर ले चलिए। इतने दिन मैं तुम्हारी बात मानता रहा, लेकिन अब जो मैं कहूंगा तुम्हें वो सुनना होगा। तुम्हारी मैरिज होने वाली है, तुम्हें किससे मिलना है किससे नहीं मिलना ये हमारा फैसला होगा। अरे छोड़ तो। संभल के बेटा, दादी की उंगली मत तोड़ देना। ये लीजिए माँ जी, तुम्हारे मामा आज भी फोन किए थे। वरलक्ष्मी पसंद है क्या, पूछ रहे थे। वो अभी छोटी है माँ, मामा से कहो कि उसे अच्छे से पढ़ाए लिखाए। तुम बस यही चाहती हो ना कि तुम्हें एक अच्छी सी बहू मिले। जा बेटा। उसके लिए तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है माँ। सही कहा ना दादी। दादी, क्या बात है बेटा? तुम्हारे दादाजी के साथ कभी लड़ाई हुई थी? हम हमेशा लड़ते थे। और एक बार तो 3 दिन तक बात भी नहीं की हमने। फिर क्या, तुम्हारे दादा मुझसे बात किए बिना रह ही नहीं सकते थे। क्यूट जो इतनी हो। चल हट। आपके प्यार की शुरुआत कैसे हुई थी? उस समय आई लव यू, यू लव मी कुछ नहीं था। तुम्हारे दादा मुझसे बहुत छेड़खानी करते थे। बदमाश। रास्ते पे चलते वक्त हम एक दूसरे से रोज मिलते थे, ऐसा क्यों ये समझ कभी नहीं आया। एक दूसरे को बिना देखे रह ही नहीं पाते थे। हम एक जगह मिलते थे, एक दिन तुम्हारे दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। और मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्या हुआ? सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या? समझ में नहीं आया? पागल हो, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ए, कहाँ खो गया? ए कार्तिक, कहानी अभी बाकी है। हेलो। हेलो रिया, आई वांट टू मीट यू टुमारो मॉर्निंग। अपने चर्च में। आओगी ना? हे रिया। हेलो। लॉन्ग टाइम। यू टू। टूरिज्म कोर्स खत्म हुआ?
वो मैंने छोड़ दिया। अभी मैं फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही हूँ। टूरिज्म, फैशन डिजाइनिंग, इनका कोई कनेक्शन है क्या? व्हाट अबाउट यू? इवेंट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। मैनेजमेंट तो इंजीनियरिंग? सेम पेंच। मुझे घर जाना है, बिना किसी को बताए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, जाओ। तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है क्या? कुछ कहना चाहता था, Now I am blank. जो कहना चाहते हो तुम कह क्यों नहीं देते? अंदर छिपा के क्यों रखते हो? कुछ बातें बिना बोले समझनी चाहिए। तुमने ही कहा था ना, मुझमें इतनी समझ नहीं है। एक बेटर लाइफ मिलने के बाद पुरानी बातें भूल गए ये आसानी से कह सकते हैं। What did you say? अब तो तुम मुझसे किनारा कर रही हो, लेकिन इतने दिनों से तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी? मैं? नेवर। ऑफिस में मैं मॉडल्स को ग्रूम करते वक्त और चार्मी के साथ इंटरेक्ट करते वक्त और तो और वरलक्ष्मी से बात करते समय भी और क्लियरली जेलस। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे अंदर ना चाइल्डिश ईगो है। क्या तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है? तुम शादी इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो। कार्तिक प्लीज, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। रिया, हम दोनों में छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है। तो तुमने मुझसे छुपाया क्यों? मुझसे कहना चाहिए था ना। कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। I was in shock. लेकिन तुम तो बहुत खुश थी ना, ऐसे में मैं कैसे बताता? No, you are wrong. I was never happy. तो तुमने अपने पेरेंट्स को बताया क्यों नहीं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कार्तिक। हिम्मत तो होनी चाहिए ना। आई एम श्योर, मेरी बात सुनो, तुम उसे बता दो कि हम अलग नहीं हो सकते। आई कैन रीच योर माइंड। नो नो कार्तिक। हम पहली बार यहां मिले थे और यहीं पे पता चला था कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं। अब अलग हो रहे हैं तो भी यहीं से। हमारी जिंदगी की खास बातें यहीं से हुई है। रिया, मैंने जॉब छोड़ दिया है। उस ऑफिस में तुम्हारा प्रेजेंस नहीं है तो मैं कैसे रह सकता था? Still waiting for you.
जल्दी। क्या हुआ? हाँ, बोट क्यों रोक दी? मैंने बोला था। कार्तिक। तुम दोनों कुछ ऐसा ही करोगे, ये मैं पहले से जानता था। रिया, तुमने मुझे एक बार धोखा दिया है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा करोगी तो बहुत बड़ी गलती होगी। अमीना। हाँ साहब। बोट किनारे पे लो। पापा मैं तो। Stop it। कार्तिक के बारे में जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मुझसे कहा कि तुम उससे नफरत करती हो, तुम्हारे दिल में नहीं है। कार्तिक, तुम ऐसा करोगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही बेस्ट फ्रेंड हूं, ये बात तुम कहते थकते नहीं थे कार्तिक। इसके आगे अब जो हम लोग फैसला करेंगे वो ही होगा। मेरे फिक्स किए हुए लड़के से ही तुम्हारी शादी होगी। नहीं अंकल, ये नहीं होगा। हमने पहले की तरह नहीं, बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। आज के बाद हम अलग नहीं होंगे। तो अभी तक हमने जो कुछ भी किया वो सब बेकार की बात है, यही बात है ना कार्तिक? अभी तो आप इसे ले जाइए, लेकिन ये किसी और से शादी नहीं करेगी, इस बात का मुझे भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है इस पर, आई एम श्योर। अच्छी बात, एक पिता के मन की बात तुम नहीं समझ सकते। अंकल, हमारे अंदर सिर्फ ईगो भरा था अंकल। बस इससे आगे माँ बाप को धोखा देने की कोशिश मत करो। मैथ्यूस, ये लो, ये इसके मैरिज एंगेजमेंट का इनविटेशन है, पढ़ो। पढ़ो। देखो, पापा, डेट तुम लोग ही फिक्स कर लो। अरे तुम्हारी उम्र के हम भी थे, तुम दोनों को समझने वाला सिर्फ मैं और मैथ्यूस ही हैं।